Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। सिंगापुर की नौ मुंतखब सदर एक आम आदमी की बेटी है, क्योंकि सिंगापुर का टैक्स निज़ाम मजबूत है। वहाँ आम आदमी के लिए सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है और उसको बराबरी के मौके हैं। पाकिस्तान में भी ज़रूरत है कि टैक्स का निज़ाम मजबूत हो, ताकि आम आदमी जो है वो सेहत, तालीम से महरूम ना रह सके, बल्कि वो उनसे फ़ायदा उठा सके। और ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत को एक अच्छा टैक्स निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है, और हम लोगों को ज़रूरत है कि हम टैक्स बचाएं नहीं, सही टैक्स दें। आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब रेहान जाफरी साहब को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। रेहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज का मौजू हमारा है टैक्स ऑडिट पे। बड़ा ये एक सुनते हैं कि जी टैक्स ऑडिट हो रहे हैं, हर केस सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप कैसा समझते हैं इस बारे में, और आपके क्या राय है कि क्या, एक तो स्कीम जरा बताएं लोगों को कि टैक्स की ऑडिट की स्कीम क्या है, और ये क्या एक गोरख धंधा है जिसके पीछे ना कुछ हासिल होता है और ना कुछ मिलता है। सबसे पहले तो अजमा काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में मधु किया। बेसिकली ये ऑर्डिनेंस जो है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये इम्प्लीमेंट हुआ 2003 में, और इसकी जो बेसिकली एनालॉजी थी वो ये थी कि ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑर्डिनेंस। इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और लॉस, जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी सेल्फ असेसमेंट में। लेकिन उसके साथ साथ FBR ने ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन 177 जो था वो डाला था, और उसमें ये था कि जो भी ऑडिट होगा उसमें कमिश्नर को ये पावर दी गई थी इनिशियली कि वो कोई भी केस जो है वो सेलेक्ट कर सकता है और उसका वो ऑडिट कर सकता है, ताकि एक एक डेटरेंट के तौर पर वो ऑडिट यानी कि कंडक्ट किया जाता था। फिर सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट आती चली गई, यानी 2003 से लेकर आज हम 2017 पर हैं, फिर इसमें 2010 में फाइनेंस एक्ट 2010 में एक अमेंडमेंट आई जिसमें इन्होंने एक और सिलेक्शन का जो है पावर दे दी थी बोर्ड को, जो 214C इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें ये कहा कि FBR को, यानी बोर्ड को, ये पावर है कि वो थ्रू पैरामेट्रिक कंप्यूटर बैलेटिंग केसेस को सिलेक्ट कर सकता है और उसका भी ऑडिट हो सकता है। तो फिर ये झगड़ा चला। बिल्कुल सही है आपकी बात, आपने जो बताया, मैं सिर्फ आपको थोड़ा बीच में, बेसिकली मुझे ये फील होता है, आम आदमी जो बिजनेसमैन है उसको ये फील होता है कि FBR का सारा फोकस ये है कि वो टैक्स ऑडिट के जरिए रेवेन्यू मेजर्स करे, टैक्स ऑडिट के जरिए लोगों को मतलब इस तरफ लाए कि जी वो टैक्स निज़ाम में आए। तो आप करके आप क्या समझते हैं, आप क्योंकि आप भी माशाल्लाह 15-20 साल से ज़्यादा हो गए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने मुख्तलिफ अदवार में क्या देखा है, क्या जब ऑडिट हो रहा था उस वक्त रेवेन्यू बढ़ते हैं या जब ऑडिट नहीं हो रहा था उस वक्त रेवेन्यू बढ़ते हैं? देखें, ऑडिट मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो है, जब ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस हुआ इनिशियली, तो जहाँ तक रेवेन्यू और टैक्स फाइलर्स का ताल्लुक है, रेवेन्यू भी बढ़ा था और टैक्स फाइलर्स भी बढ़े थे। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने ऑडिट विगरसली ऑडिट जब शुरू किया इन्होंने, और ऑडिट में जाहिर है जब ऑडिट एक ऑफिसर एक ऑडिट करता है तो उसका माइंड सेट ये होता है कि वो रेवेन्यू जनरेट करे, ऑब्वियसली। अब वो रेवेन्यू जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार से जनरेट होता है, और वो जो ऑडिट के जो भी पैराज है उसके हिसाब से वो ऑडिट जाहिर करते हैं और नहीं भी करते हैं, और उसके हिसाब से वो अपना टैक्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे जो टैक्स पेयर है, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है खासतौर से, उसने ये फील किया कि ये ऑडिट से ज़्यादा हैरेसमेंट की तरफ जो है चीज़ें जा रही हैं, और फिर ये हुआ कि इसकी वजह से बहुत सारे जो मैं समझता हूँ टैक्स पेयर्स थे, वो फाइलर जो थे, वो उन्होंने यानी कि कोशिश ये की कि भाई टैक्स तो उनका कट जाता है, फिर वो फाइल करने से कतराते थे। तो इस डर से लोग टैक्स निज़ाम से दूर चले जाते हैं कि जो के मेकैनिज़म है ऑडिट का वो इतना कंबर्सम है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन और फिर उसके बाद जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, क्या ये भी वजह है कि लोग टैक्स ऑफिसर के पास जाने से भी कतराते हैं? देखिए, ह्यूमन इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली टैक्स ऑफिसर
ظاہر ہے کہ جب آپ کو کوئی نوٹس آتا ہے تو ایک ٹیکس کنسلٹنٹ یا لائر کو تو اس کے ظاہر ہے کہ بیسس کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک ٹیکس پیئر کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ نوٹس کیا چیز، اور نوٹسز اگر آپ دیکھیں گے، آڈٹ کے نوٹسز دیکھیں آپ یا جنرل نوٹسز بھی اگر آپ دیکھیں گے، تو ان کی لینگویجز ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی نے کوئی ایم سوری کوئی مرڈر کر دیا یا اس طرح کی چیز کر دی ہے، تو وہ یعنی ون فیل ویری بیڈ اباؤٹ اٹ کہ ہاں بھائی مجھے، میں ایک ٹیکس فائلر ہوں، میں ٹیکس پے کر رہا ہوں، اپنی لائبلٹی پوری کر رہا ہوں، اپنی ابلیگیشنز پوری کر رہا ہوں، اب اگر آڈٹ مجھے ڈیفرنس اوپینین ہو سکتا ہے، میرے انٹرپریٹیشن لا میں میرا انداز دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ٹریٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ میں کوئی مطلب کوئی کرمنل یا کسی قسم کا ہے۔ سو آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کو، تو صرف دو سیکشنز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں، 177 اور 122۔ سلیکشن کی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ جو بنیادی سیکشن کی امپلیمنٹیشن میں اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا کوئی صحیح طور پہ ایف بی آر کے آفیسرز کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے اس آرڈیننس کے بارے میں، اس کی اسکیم کے بارے میں، یا یہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یا کوئی ایف بی آر کی پالیسی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے آرڈیننس کی جو اپروچ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گی، جب وہی شروع کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب 2003 میں یہ آرڈیننس امپلیمنٹ ہوا تھا 2001 والا، تو اسی وقت یہ آڈٹ کا کنسرٹ بھی آیا تھا، ظاہر ہے پہلے اسسمنٹ ہوتا تھا 61-62 پرانے آرڈیننس میں، اس میں آڈٹ ہوتا ہے۔ پوائنٹ یہ تھا کہ اسی وقت ان کو آڈٹ، جو ورڈ آڈٹ ہے نا جی، وہ اس کا اسکوپ ڈیفائن کر دینا چاہیے آرڈیننس کے اندر، جو 2017 میں آج ہمیں آج تک ڈیفائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک افسر جو ہے جب اس کو اپنے، اب اس کو آپ نے ایک اپنی یعنی اختیارات دے دیے ہیں، کھلے اختیارات دے دیے ہیں، اور ایک آڈٹ میں جب وہ نوٹس ایشو کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے ہر قسم کا یعنی آڈٹ کرنا ہے۔ اس کا آڈٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا آڈٹ کرنا ہے کہ میں یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں آن دی فیس آف ریکارڈ اپیرنٹلی ٹھیک بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی وہ یعنی بار بار اسی کو اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اگر ہم ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں جہاں ٹیکس کا نظام ایک مضبوط ہے، آڈٹ تو وہاں بھی ہوتا ہے اور وہاں بھی اسی طرح ڈیپ ان وہ ایک انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو جو میں سمجھتا ہوں اور جو آپ بھی فیس کرتے ہیں لوگ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسپلینیشن دیتے ہیں وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ آن دا کنٹریری آپ کی چیز، میں وہی آپ سے کر رہا تھا کہ اگر آپ کی کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے سپوز کیجئے کوئی انہوں نے یعنی آڈٹ میں کوئی آپ سے انہوں نے ڈیٹیل مانگی، آپ سے کوئی ایویڈینس مانگا اور آپ نے ان کو وہ ایویڈینس پرووائڈ کر دیا، آپ نے وہ ڈیٹیل فائل کر دی، اس کے باوجود وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جناب ابھی بھی بظاہر وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن نہیں مجھے تو ٹیکس لگانا ہے، اب وہ تو کچھ بھی ہو وہ چیز غلط ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا یہ جو آپ دیکھتے ہیں 170 کو آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیکشن جو ہے آڈٹ کے لیے ہے یا سلیکشن کے لیے ہے؟ جو یہ کنٹروورسی بڑے دنوں سے چلتی رہی اور پھر کورٹ نے یہ کہا کہ جی آڈٹ ہو سکتے ہیں، 170 میں پک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بیئر ریڈنگ ہے اس لا کی، اس کو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے آڈٹ میں 177 میں ورڈ لکھا ہے کنڈکٹ کا، جی ٹھیک ہے نا، کنڈکٹ کا مطلب ہے کہ جو آفیسر ہے جب کیس سلیکٹ ہو جائے گا، میری اوپینین یہ ہے کہ جب کیس سلیکٹ ہو جائے گا، 214C کیوں آیا؟ 214C اسی لیے آیا کہ پاور 214C بتائیں ذرا ہمارے، 214C میں نے آج سرچ کیا تھا کہ 2177 میں آڈٹ کنڈکٹ ہوتا ہے اور 214C جو ہے بورڈ کو پاور دے دی گئی ہے۔ کس طرح؟ بورڈ کو یہ پاور دے دی گئی ہے کہ جو بھی ریٹرن فائل ہوتے ہیں ان کا وہ کمپیوٹر رینڈم بیلٹنگ کے تھرو ایک یعنی سسٹمائزڈ ایک آڈٹ سلیکشن کرے، پیرامیٹرک بھی ہو سکتا ہے، رینڈم بھی ہو سکتا ہے، بٹ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن تھرو کمپیوٹر رینڈم بیلٹ۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ ہر سال یعنی کہ پالیسی ایک آتی ہے، اس کے حساب سے ایک آڈٹ پالیسی طے کرنے کے بعد ایک رینڈم سلیکشن ہوتا ہے، اور سلیکشن کے بعد ایک لسٹ دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ کیسز جو ہیں انکم ٹیکس کے ہوں، سی ایس ایس کے ہوں، ایف ڈی کے ہوں، یہ سلیکٹ کر لیے گئے ہیں آڈٹ میں۔ ٹھیک ہے، اس کا پھر یہ ہے کہ وہ سبسیکوئنٹلی وہ مارک کیے جاتے ہیں ریسپیکٹو جورسڈکشن کو اور وہاں پہ وہ 177 میں آڈٹ کنڈکٹ ہوتا ہے۔ تو میرا پوائنٹ کہنے کا یہ کہ سلیکشن جو تھا وہ شروع میں تھا، لیکن جب سے 214C آیا ہے، یہ اس میں بہت سارے کیس لاز بھی موجود ہیں، جب سے 214C آیا ہے، 214C کے بعد 177 میں میں سمجھتا ہوں سلیکشن جو ہے پاور جو ہے سلیکشن کرنے کے وہ ختم ہو گئے، کیس جو سلیکٹ ہوں گے 214C میں وہی 177 میں آڈٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا اگر ریحان صاحب ہم 170 کو دیکھیں، پہلا 170 جو اس آرڈیننس کا 2001 کا آرڈیننس تھا اس کے بعد دیکھیں، تو بڑی چینجز کی گئی ہیں۔
क्या ये FBR की अप्रोच ऐसी है कि वो ऑडिट ही करना चाहते हैं, वो एक्सपेंशन नहीं करना चाहते टैक्स बेस में? क्योंकि देखें, आप ये देखें कि जितनी दफा इन्होंने अमेंडमेंट किए, इसका मकसद ये है कि उसी सेक्शन को ये अपनी अथॉरिटी उसमें इंप्रूव करते गए, हर अमेंडमेंट के साथ अपने आप को और ज्यादा पावरफुल करते गए। तो ये क्या वजह इसकी है? देखें, वजह सिर्फ ये है कि मैंने जैसे अर्ज किया था कि ये जो ऑर्डिनेंस था, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट बेस करता था, पास यानी जितने भी अख्तियारात थे अफसरान के पास, वो एक तरह से बिल्कुल यानी स्टैग्नेंट हो गए थे। और वहां से मैं ऐसे जवाब से हमें ब्रेक लेना है। नाजिम वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं कि सेक्शन 170 में जो कि ऑडिट से मुतालिक है, उसमें इतनी अमेंडमेंट की गई, क्या FBR सिर्फ ऑडिट के जरिए रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, वो अपने वसाइल जो है एक्सपेंशन पे यूज करना चाहता है? बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है केसेस का ऑडिट में, इनकम टैक्स कानून में, हमारे गेस्ट हमको बता रहे थे रेहान जाफरी साहब के क्या है। रेहान साहब, क्या आप बता रहे थे 214C जो सिलेक्शन का प्रोविजन है, जिसमें आप बता रहे थे कि पैरामेट्रिक और रैंडम बैलेटिंग के जरिए सिलेक्ट होता है और फिर 170 में आगे उसकी ऑडिट कंडक्ट होता है? देखिए, आते हैं मुख्तलिफ एंटिटीज के हिसाब से, एसएनसी के हिसाब से, वो रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शंस के हिसाब से उनके एरिया में भेज दिए जाते हैं, और 214C के तहत जो केस सेलेक्ट होते हैं वो फिर कमिश्नरान जो हैं और जो अफसरान जो हैं वो 177 में ऑडिट कंडक्ट। आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब ये बताइए कि FBR इतना टची क्यों है ऑडिट के मामले में? ये मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे कोई कोई कारफार्मा कोई चीज है, कोई ताकत है, कोई कुवत है कि ऑडिट जो है वो हुए जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ा नहीं रहा, टैक्स पेयर बढ़ नहीं रहा, लेकिन ऑडिट हुए जा रहे हैं। तो ये आपको आप क्योंकि टैक्स बार के, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, टैक्स बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आपने क्या महसूस किया कि क्या इसके पीछे वजह है? नहीं देखिए, ऑडिट हुए जा रहे हैं, सेलेक्ट हुए जा रहे हैं, हाँ सेलेक्ट हुए जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास फिगर्स हैं वो ये कि 2014 के जो ऑडिट हैं वो कोई 75,000 के अप्रोक्सीमेटली 75,000 केसेस सेलेक्ट हुए, फिर 2015 में कोई 93,000 के केसेस सेलेक्ट हुए। अब उनका कोई डेटा नहीं है कितने कंक्लूड हुए, क्या रेवेन्यू जनरेट किया। अब वो कहीं ना कहीं से कोई छोटी मोटी फिगर आ जाती है, बट FBR अपनी वेबसाइट पे कभी नहीं लगाता या पब्लिक को कभी नहीं बताता कि हमने ये ऑडिट किया और ये रेवेन्यू जनरेट किया। तो आपके ख्याल में ये इनकी कैपेसिटी है ये ऑडिट कंप्लीट करने की अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, न्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? देखें, मुझे नहीं पता कि बैकलॉग कितना है। मैं समझता हूँ, मैं अभी बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो परसों कल या परसों के अखबार में ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें तकरीबन जो फिगर वहाँ पे कोट किया गया था उसमें था कि जो कंपाइल हुए हैं केसेस ऑडिट में अब तक जो सेलेक्ट हुए हैं और जो कंक्लूड नहीं हुए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 6.5 लाख के करीब है, 6.5 लाख के करीब। अच्छा। 5,75,000 सिर्फ 214C में ये ओवरऑल केसेस है जिसमें 214C भी शामिल है, 177 के भी यकीनन शामिल होंगे। और मैं समझता हूँ 214D जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है जो रिटर्न लेट फाइल करते हैं वो भी केसेस शामिल होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये केसेस अब क्योंकि देखिए अब दोबारा रिटर्न फाइलिंग का सिलसिला जो है 30 सितंबर लास्ट डेट है, और आज ये देखिए आज हम खड़े में 20th को इन्होंने वो SRO इशू किया वेल्थ का, जो ये हो सकता है कि ये डेट ऑब्वियसली एक महीना डेढ़ महीने दो महीने जो भी ये एक्सटेंड होगी उसके बाद जो भी रिटर्न फाइल 17 अगस्त को लेके आए तो एक महीने में कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप रिटर्न फाइल कर सकेंगे? बिल्कुल ठीक है। अब ये जब ये रिटर्न फाइल होंगे, और यकीनन इसमें बहुत सारे रिटर्न जो ऐसे होंगे कि जो लेट फाइल होंगे या नहीं फाइल होंगे, वो केसेस भी ऑटोमेटिकली 214D में जो उन्होंने नया सेक्शन चूज किया उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि 575,000 केसेस जो ये अगर आप ये ले लें, सपोज 100,000 केसेस और आपके सेलेक्ट हो गए, 675 हो गए। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि FBR क्या मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है या ऐसी कौन से इनके पास अलादीन का चराग है कि ये इतने सारे केसेस जो हैं ये जो कंपाइल हो गए हैं ये कैसे ऑडिट करेंगे, और फिर क्वालिटी ऑफ ऑडिट क्या होगी? सही, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि पर्पस क्या है इसका। देखें, गवर्नमेंट हुकूमत को पता है ये हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है ये हो रहा है, FBR को पता है ये हो रहा है, बार एसोसिएशन को पता है ये हो रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पता है ये हो रहा है, लेकिन नोबडी इज सीरियसली टेकिंग इट अप। इसका मतलब ये है कि कोई या तो कोई एडहॉक कोई स्कीम आ जाएगी 20% 30% की, या मैं ये केसेस ऐसे ही पड़े रहेंगे और ये फिजल आउट हो जाएंगे। नहीं, 20-30% की स्कीम आए या कुछ भी आए, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है, पहले तो ये आपका 240 जो हमने भी बार एसोसिएशन ने भी बहुत दफ़ा इनको बजट प्रपोजल में भी लिखा,
और स्टेक होल्डर्स जो हैं, यानी कि चैम्बर है, फेडरेशन है, उन लोगों ने भी 214D को जो है ना एजिटेट किया था कि भाई 214C जो ये सिलेक्शन है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, इसको तो कम से कम वेरीफाई करें। अब पॉइंट ये नहीं, ये मुझे ये भी मालूम करना है आपसे कि 214D में जो है लेट में फाइल करूँ रिटर्न तो मुझे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोविजन कानून में नहीं है जो रिटर्न लेट लाया गया है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी या ऑडिट हो। भाई वो अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली वो उस पे भी कराची टैक्स बार एसोसिएशन हो, और कभी एफबीआर के लोगों की जिनकी वजह से लेट होता है रिटर्न की फाइलिंग के साथ रेवेन्यू जनरेशन लेट होती है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है ना, उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने क्यों रिटर्न लेट किया। भाई यहां तो ये हाल है कि कोई ऐसा अगर डिसीजन होता है जो हायर कोर्ट्स अगर आपके फेवर में देती हैं जी, तो वो अमेंडमेंट हो जाती है लॉ में उसको नलीफाई करने के लिए, तो आप अकाउंटेबिलिटी क्या बात कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तो देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो अपनी जगह पे मौजूद है, एक इदारा हमारा बना हुआ है एफटीओ का, ठीक है, फेडरल टैक्स रिइंबर्समेंट का इदारा है, बहुत यानी कि बहुत अच्छा इदारा है, और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको इस इदारे की पूरी पूरी यानी जो इनकी कहना चाहिए जो भी कंप्लेंट्स आप फाइल करने जाएं या करते हैं उससे पूरा पूरा मुस्तफ़िज़ होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम उस इदारे को इतना प्रोडक्टिव बना रहे हैं। ठीक है, और वो देखें वो अपनी जगह है, लेकिन एफबीआर को खुद से भी देखें, पाकिस्तान को 70 साल हो गए हैं बने हुए, एफबीआर की स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये टैक्स निज़ाम को नया नहीं है। ये आप एक्सक्यूज देखने के लिए आते हैं टैक्स निज़ाम नया है, टैक्स निज़ाम में प्रोविजन के सेक्शन का नंबर चेंज हो गया होगा, पहले 62 होता था, आज 122.5A है, ये 5 है, पहले 65 होता था। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने ऑडिट करके क्या हासिल किया और क्या खोया। अब जो नज़र आता है वो खोया ये कि आपने टैक्स बेस खो लिया, आपका टैक्स ब्रेक नीचे चला गया, बिल्कुल टैक्स बेस नीचे जो हमने जब हमने और आपने प्रैक्टिस शुरू की थी उस वक्त लोग कहते थे कि 2% जो है टैक्स पेयर है 20 लाख रुपए, आज देखें तो वो 12 लाख भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, जिनमें मेरे ख्याल 4 लाख मिल के रिटर्न है। तो ये जो आप एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट आप क्या समझते हैं एफबीआर को क्या कदम एकदम उठाने चाहिए, किस तरह का कुछ इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए ताकि ये मसाइल हल हो सके। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर ऑडिट के साथ साथ टैक्स बेस भी बढ़नी चाहिए ना आपकी, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि एक तो इन्फोर्समेंट, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि सबसे पहले आप 214D का जो वो है प्रोविजन है उसको आप जो है ना ख़त्म करें, और ये इसलिए ख़त्म करने की मैं बात कर रहा हूँ कि सॉरी कि जब आप एक लाइसेंस डेवलप करेंगे टैक्स पेयर का और कलेक्टर का, और फैसिलिटेशन डेवलप होगा और हैरेसमेंट का जो एरिया है वो खत्म होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका फायदा खुद ब खुद बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। देखिए टैक्स तो कट जाता है, टैक्स तो आपका मैं समझता हूँ रिटर्न फाइलिंग से बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता होगा और ऑडिट से भी बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है, ऐसा कोई रेवेन्यू जनरेट होता है। एफबीआर ये कहता है कि जब ईज पे होते हैं तो टैक्स पेयर नहीं बढ़ता, जब हम आम इन्फोर्समेंट करते हैं जब टैक्स पेयर बढ़ता है। हमने रहमतुल्ला वजीर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी वो हमें ज्वाइन करें, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे रब्ता नहीं हो रहा है अभी, प्रोड्यूसर ने बताया, तो इंशाल्लाह उनको किसी और प्रोग्राम में लेंगे। तो एफबीआर का वर्जन ये होता है कि हमने लोगों को लूज तोड़ा तो रिटर्न फाइनल होने कम हो गए, लोग टैक्स नेट में आना कम हो गया, और हम ज़्यादा सख्ती करते हैं तो हमें जो है ज़्यादा रेवेन्यू होता है, तो ये क्या उनकी सही मतलब अप्रोच है? नहीं, मैं नहीं समझता ये अप्रोच सही है, उसकी वजह ये है कि देखिए आप पिछली गवर्नमेंट उठा के देख लीजिए, मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं बात कर रहा हूँ मुशरफ एरा की, ठीक है, जिसमें शौकत अजीज साहब यहाँ वो थे, ये ऑडियंस उसी वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, सेल्फ असेसमेंट की बात हुई थी और सेल्फ असेसमेंट के बाद उस वक्त के हिसाब से फायदा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? इंटरेक्शन डिपार्टमेंट से कम हो गया था, ठीक है। अब आप आज भी मैं कहता हूँ अगर आज भी डिपार्टमेंट जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 214D निकाल दिया जाए कानून में से, आप ये फैसिलिटेट करना चाहें तो ये मेरे ख्याल में तस्वीर कुछ चेंज हो जाएगी, हैरेसमेंट और हैरेसमेंट कम किया जाए तो तस्वीर कुछ चेंज हो जाएगी। रेहान साहब आपको बहुत शुक्रिया, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है, इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में देंगे। नाजरीन आजकल आपने देखा होगा कि लोग रोडों पर खड़े हुए, स्कूलों की फीस बहुत बढ़ गई है, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि तालीम जो हुकूमत के हाथ में होनी चाहिए वो कमर्शलाइज हो गई है, और उस कमर्शलाइज होने की वजह से उन्होंने उसको बिजनेस बना लिया है। तो अगर आप अपना ड्यू टैक्स देंगे और आप सही टैक्स देंगे तो आप उसके साथ साथ हुकूमत को बावर करेंगे कि तालीम को अपने हाथ में लें और इसको सस्ता करें ताकि आम आदमी तक पहुंचे। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।